हाय वेलकम टू आरके फोटो मैजिक ट्रिक्स. आज हमारे साथ है पूजा अरोरा और आज मैं इनको कुछ ऐसी चीज सिखाने वाला हूँ जिसको ये देख के दंग रह जाएंगी. अच्छा, ऐसा क्या है पूजा? मैं तुम्हें फॉर्मेट पेंटर और एनिमेशन पेंटर के बारे में बताना चाहता हूँ, पर तुम्हारे तो सर के ऊपर से जा रहा होगा ये क्या है. और जब मैं ट्रांजिशन की बात करूंगा तब तो तुम्हें समझ आ जाएगा. हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे डांस से रिलेटेड है. ठीक है, तो मैं आपको ये तीनों चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. एंड नॉट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता. अब आपने एक बचपन में एक कहानी सुनी होगी माइडस की, किंग माइडस. बिल्कुल. वो क्या क्या कहानी थी? जो वो किंग था और उसको शायद कुछ ऐसा था कि वो जिसको भी टच करता था वो सोने का बन जाता था. उसको एक वरदान मिला था, व्हाटएवर ही टच्ड. नाउ फॉर्मेट पेंटर इज द सेम थिंग. नाउ यू विल से हाउ कैन आई कंपेयर फॉर्मेट पेंटर टू माइडस, किंग माइडस. बिल्कुल. अब मैं आपको दिखाता हूँ. मैं इंसर्ट पे गया, एक शेप ली, शेप के अंदर मैंने सब कुछ 3D शेप मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ इसकी, जिसके अंदर शेडो भी है, सब कुछ है. अब अगर मैं आपको कहूँ ये 3D शेप बनाने में तो आपको कितनी देर लगेगी? हमेशा 3D, जस्ट 3D पे क्लिक करना है और इमेज लेके. हाँ, पर कितनी देर? नहीं, आपको अगर बनाना पड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको बेवल का पता नहीं है, आपको शेडो का पता नहीं है, आपको रिफ्लेक्शन का पता नहीं है. अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने जो बनाया है, हाँ, और आप सिर्फ इंसर्ट करिए एक शेप और आप सिर्फ जो मैंने बनाया है उसके ऊपर जाइए, माउस से क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए एक बार, और आपने जो शेप बनाया है, मैंने जो शेप बनाया है वो बहुत ही रिच है, आपका बहुत पुअर है. तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं किंग माइडस बन जाता हूँ. मैंने फॉर्मेट पेंटर को लिया, टच किया, और जैसे मैंने इसको टच किया तो पता है क्या होता है? देखिए, इट टेक्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फिगर विच आई टुक, जिसके ऊपर मैंने एक घंटा दो घंटा काम किया है वो एक मिनट में बन गया. आप सोच सकती हैं, जैसे आपने जो डांस 10 साल में सीखा है वो किसी को टच करके आप सिर्फ एक मिनट में दे दें, दैट इज फॉर्मेट पेंटर. ऐसा मैजिक तो डेंजरस है. पर ये है, ये और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज, खतरनाक नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, फॉर्मेट एनिमेशन. मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूजा जी से एक चीज करवाई थी. जैसे पूजा जी, कोई अच्छा आप डांस का कोई भी एक अच्छा सा, शी इज अ वेरी गुड डांसर इनफैक्ट, आप कोई भी एक अच्छा सा स्टेप करके दिखा सकती हैं जो मैं ना करूं? मैं कृष्णा की मुद्रा ले लेती हूं. कृष्णा की मुद्रा हम ट्रांजिशन में लेंगे, पर वैसे कोई जो बहुत डिफिकल्ट स्टेप हो, स्टेप करके दिखाऊं? हां, जैसे कोई भी मुद्रा, लाइक वी शो फ्लावर लाइक दिस. ओके, और अगर हम प्रणाम करते हैं तो हम ऐसे करके प्रणाम करते हैं. ठीक है, तो नाउ दिस इज, जब ये हाथ हिला रही है तो दैट बिकम्स इनटू एन एनिमेशन, राइट लेफ्ट ये भी, और ये कितने अच्छे से कर रही है सब कुछ इसके. तो दिस इज, आप ऐसा सोचिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर एनिमेशन है, मतलब अगर इनके अंदर एनिमेशन है तो अगर हम इनको टच करके एनिमेशन पेंटर पे जाएंगे और एनिमेशन पेंटर के क्लिक करेंगे और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और उसको टच करते हैं तो आपकी जो मुद्रा आपने की है वो चीज उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी. पहले तो फिगर चेंज हुआ था, इसमें तो बिल्कुल हाव भी चेंज हो जाते हैं, सारा मूवमेंट ही मतलब आ जाएगा. दिस इज अ वेरी, नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, कि अगर आपको किसी का है ना कोई बहुत अच्छा काम बगैर मेहनत के लेना हो अलग तरीके से, तो ये फॉर्मेट पेंटर और एनिमेशन पेंटर यूज करके आप कर सकते हैं. पर ये फॉर्मेट पेंटर और एनिमेशन पेंटर ये तो हम यूज कर लेते हैं, पर जब दो स्लाइड्स होती हैं, जैसे मैंने ट्रांजिशन की बात की थी, ट्रांजिशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पावर पॉइंट टू प्रेजेंटेशन. वॉट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन का मतलब डेफिनेशन आप जरा मेरे को उसमें बताइए, डांस फॉर्म में बताइए. डांस फॉर्म में क्या होता है, जब हम एक स्टेप कर रहे हैं और एक स्टेप से हम दूसरे स्टेप में जाते हैं तो उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं. एग्जांपल दे सकती हूँ? एग्जांपल लाइक मैं दो दिखाती हूँ, एक राधा और एक कृष्णा. तो जब हम राधा जी लेते हैं तो हम लोग उनका जो घूंघट है वो ऐसे करके जाते हैं. तो ये कितने स्टेप में हुआ? ये हमने ऊपर से उनका दुपट्टा खींचा और उसको ओपन कर दिया. ठीक है, ठीक है. और उसी के लिए जब हम कृष्णा के लिए जाते हैं तो हमने ये फ्लूट बनाया और तो ये हम राधा जी से कृष्णा में ट्रांजिशन कर गए. ठीक है, अब आपने जो ये देखा है ना, सी पावर पॉइंट में भी जरा से डांस का एक भाव होता है, जैसे व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, इन्होंने कितना स्मूथली किया है. नाउ यही चीज आप जरा सा बगैर ट्रांजिशन के करके दिखाइए, मतलब स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट करके, तो नाउ यू विल सी हाउ 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 क्रूड इट विल लुक. दिखाना. See the difference? एक वैसे करके दिखाइए ट्रांजिशन के साथ.
सो व्यूअर्स, व्हाट इज ट्रांजिशन? जब आप एक साइड से दूसरी स्लाइड में जाएंगे तो आपको बीच में एक इफेक्ट देना होता है, तो वो स्मूथ इफेक्ट देने के लिए फेड इन फेड आउट और बहुत सारे होते हैं, जैसे कर्टन्स भी होता है, पील अप पील डाउन, बहुत कुछ है, तो आप उससे ट्रांजिशन से आपका पावर पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेस आ जाता है। तो ये पावर पॉइंट में पॉसिबल है? पावर पॉइंट में एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर में जब करते हैं ट्रांजिट तो एक वो लेते हैं, हम इफेक्ट लेते हैं। सो अगर आप पावर पॉइंट में और नई भाव और मुद्राएं सीखना चाहते हैं मिस्टर आरके के साथ, सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट rkphotomagictricks.com। So where can you find the preview video and other information about RK and Ashir? Just Google RK Photo Magic Tricks with an X and you will see everything. And for all inquiries and help regarding PowerPoint presentations, please contact Ashir via ashir@gmail.com. That's ARKSHYA@gmail.com. And RK via RK Photo Magic Tricks@gmail.com. Hey!